नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल समाधान से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो एक अलग सीरीज के रूप में हमारा चलेगा, जिसमें जो एंड्रॉइड ऐप है, जो या तो कोई नई रिलीज ऐप्स है या कुछ अलग है जिसके बारे में आप नहीं जानते, उनको लेकर आया हूँ। तो इन सीरीज में पहली सीरीज हमारी आती है जो न्यू एंड्रॉइड ऐप्स है उनके बारे में। 2021 फरवरी के मंथ में पहला जो सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट भाग है वो आपके सामने ला रहा हूँ। ये सभी जो एंड्रॉइड ऐप लेटेस्ट है ही, इनको प्ले स्टोर पर फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। इन सब ऐप में सबसे पहला आता है कोर स्पेस ऐप। कोर स्पेस ऐप, इस ऐप में आप अपने मोबाइल का हार्डवेयर सिस्टम देख सकते हैं डिटेल में। वैसे तो आप एंड्रॉइड फ़ोन की सेटिंग में अबाउट में जाकर थोड़ी बहुत जानकारी देख सकते हैं, लेकिन यह ऐप आपको अपने मोबाइल के सभी हार्डवेयर सिस्टम डिटेल में दिखाता है, जैसे कि उसका सेंसर है। मैं आप ये देख सकते हैं कि कितने सेंसर है, और आपके फ़ोन में जो गेस्चर है वो भी आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के गेस्चर है वो आपके फ़ोन में मौजूद है, और डिवाइस में आप अपने पूरे मोबाइल की डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप टेस्ट में ये भी जान सकते हैं कि सेंसर, जेस्टर और जो मैग्नेटोमीटर है उन टेस्ट का कैसे टेस्ट कर सकते हैं और किस तरह ये काम करता है, और आपके फ़ोन में सभी सेंसर काम कर रहे हैं या कोई सेंसर ऐसा भी है जो काम नहीं कर रहा है, इन सब की जानकारी भी आप इस ऐप में देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ऐप। अब दूसरे ऐप की बात करते हैं जिसका नाम है मूड पोटैटोज ऐप। मूड पोटैटोज ऐप है, यह एक बहुत ही कमाल का ऐप है। आजकल की ज़िंदगी में खुश रहना थोड़ा मुश्किल है। आप महीने में कितने दिन खुश रहते हैं, कितने दिन दुखी रहते हैं, और कितने दिन है वो आप है उदास रहते हैं, कितने दिन गुस्से में रहते हैं, इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता है। जबकि लंबी ज़िंदगी जीने के लिए हमें खुश से है वो ज़्यादा रहना ज़रूरी है, लेकिन इस ऐप में आप हर दिन को ट्रैक कर सकते हैं कि आप कौन से दिन खुश थे, कौन से दिन उदास थे, खुश होने का कारण क्या था, और उदास होने का और गुस्सा होने का कारण है वो भी क्या था। आप इस ऐप के अंदर कैलेंडर में नोट करके ये भी रख सकते हैं कि हर तारीख के ऊपर एक इमोजी दिखने लगेगी जो आपके मूड पर निर्भर है होगी। जिस तारीख पर आपका मूड जैसा मूड होगा उसी तारीख पर उसी टाइप की इमोजी दिखने लगेगी। इससे आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि आप पिछले महीने में कितने दिन खुश रहे और कितने दिन है उदास। इस तरह के पूरे साल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप पिछले साल कितने दिन खुश रहे और कितने दिन है वो उदास रहे। अब तीसरे और अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है टच लॉकर। टच लॉकर ऐप है, वो इस ऐप की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की टच स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके स्मार्टफोन की जो टच है वो स्क्रीन काम करना बंद कर देगी। दरअसल यह तब ज़्यादा उपयोगी होगा जब आप अपने स्मार्टफोन में कोई फिल्म देख रहे हो या कोई भी वीडियो देख रहे हो और गलती से स्क्रीन पर टच हो जाता है, और मान लो आपने अपने फ़ोन को अपने बच्चों को दिया, कोई गेम तो नहीं खेल सकता लेकिन वीडियो देखने के लिए दिया, अब बच्चा क्या करेगा, उसको बार बार हाथ से पकड़ेगा तो अभी फ़ोन का टच है वो अपना आप होता रहेगा, वो तो होगा ही, टच होगा तो इसका इलाज इस ऐप में किया गया है। दरअसल यह तब ज़्यादा उपयोगी होगा जब आप अपने स्मार्टफोन में कोई फिल्म देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो और गलती से स्क्रीन पर टच हो जाता है तो आपकी फ़िल्म देखने का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट काम कर दे तो इस पर स्क्रीन गलती से टच हो जाने से भी दिक्कत हो जाती है। इस तरह से अगर आप अपने स्मार्टफोन को बच्चे को देते हैं और आप चाहते हैं कि वह स्मार्टफोन में कुछ उल्टा सीधा काम न कर दे, तब भी आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप एक्टिव कर देंगे उसके बाद आपके स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन मेन्यू में इसकी नोटिफिकेशन में दो तले यानी लॉक दिखाई देंगे, एक ताला खुला होगा और दूसरा बंद होगा। अब किसी भी ऐप को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उस दौरान नोटिफिकेशन पैनल में जाकर बंद ताले पर क्लिक करेंगे तो आपका टच स्क्रीन लॉक हो जाएगा, अब आपका स्मार्टफोन का स्क्रीन है वो काम है नहीं करेगा। इसी तरह से अनलॉक करने के लिए वापस नोटिफिकेशन पैनल में जाकर खुले ताले पर क्लिक करिए और आपका टच स्क्रीन भी फिर से काम करने लगेगा। अब अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है माइंड लीक ऐप। यह एक बहुत ही कमाल का ऐप है और मुझे उम्मीद है
आपको भी पसंद आएगा। इस ऐप की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की लत कम कर सकते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी ऐप बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं तब यह ऐप आपको है वो रिमाइंडर कर देगा, लेकिन यह नॉर्मल तरीके से रिमाइंडर नहीं करेगा। जब भी आप किसी ऐप को बहुत देर तक इस्तेमाल करते रहेंगे तभी आपकी स्क्रीन है उस पर एक पॉपअप आएगा, उसमें आप खुद को घूर रहे होंगे या हो सकता है कि कोई और व्यक्ति या कोई और जानवर आपको घूर घूर के देख रहा हो और यह आपको यह बहुत अजीब लगेगा, जिसके बाद आप उस ऐप को उस वक्त इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। दरअसल इस ऐप के अंदर आपको मोड दिए गए हैं, जहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रंट कैमरे का। फ्रंट कैमरा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो देर तक कोई भी ऐप इस्तेमाल करेंगे तो फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आप खुद को घूरने लग जाएंगे। इसके अलावा दो और ऑप्शन है जहां पर आप खुद की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन में एनिमेटेड GIF है, जो कि अलग अलग तरह के जानवर और व्यक्ति स्क्रीन पर आकर आपको घूरने लगेंगे अगर आप किसी भी ऐप को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो। अब लास्ट और अंतिम एप्लीकेशन, जिसका नाम है शोकेटिक बाय गूगल। यह गूगल का बनाया हुआ एप्लीकेशन है और यह ऐप किसके लिए है? छात्रों के लिए। बहुत ज़्यादा उपयोगी है छात्रों के लिए। अगर आप एक छात्र हैं तो इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। यह ऐप आपके बहुत ही कठिन से कठिन सवालों को हल कर देगा, चाहे वह मैथ के सवाल हो या फिर किसी और सब्जेक्ट के हो। बस आपको उस सवाल को अपनी कॉपी और किताब के से इस ऐप के मदद से स्कैन कर लेना है और उसके बाद यह ऐप आपको उसी सवालों का जवाब दे देगा। इतना ही नहीं, यह ऐप उन सवालों का जवाब के बारे में आपको समझाएगा, विजुअल मीनिंग भी दिखाएगा। इसके अलावा इस ऐप के अंदर छात्रों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में वर्चुअल मीनिंग में सीखने में मिलता है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर जियोमेट्री आदि इत्यादि। जो भी आप अगर एक छात्र है तो इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे।